हाय एवरीवन, वेलकम टू पियालीस किचन। सामने ही है होली और हम लोग होली में कुछ मिठाई ना बनाएं वो तो नहीं हो सकता। हम लोग मिठाई बनाएंगे लेकिन वो भी बहुत आसानी से। उसके लिए सिर्फ चाहिए एक इडली स्टैंड और दूध। इस मिठाई को आप लोग बिना शुगर के, यानी कि कोई भी शुगर सब्स्टिट्यूट डाल के भी बना सकते हो। अब देखिए कैसे बनाते हैं ये मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। लेकिन ये रसमलाई बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम या मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक इडली स्टैंड। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और लिया है 1 टेबलस्पून विनीगर। इस दूध को बॉयल करेंगे, फिर ऑफ करके उसमें विनीगर डालेंगे और दूध को गार्डल करेंगे। दूध से छेना बनाएंगे, उस छेने को थोड़ा सा धो के उस छेने से हम लोग मिठाई बनाएंगे। देखिए दूध में बॉयल आ गया है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनीगर। अच्छे से मिला देंगे, दूध फट जाएगा। अभी इस छेने को हम लोग एक स्ट्रेनर में डाल के अलग कर लेंगे और इसके जो पानी है इससे आप लोग पुलाव या ऐसे भी थोड़ा सा मसाला डाल के कढ़ी बना के भी खा सकते हो। ये स्ट्रेन किया हुआ छेने को अच्छे से धो लेंगे, इससे इसके अंदर जो खट्टापन है विनीगर का वो निकल जाएगा। छेने से थोड़ा सा पानी निकालने के बाद इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध से बना हुआ छेने के अंदर 2 टेबलस्पून भर के शुगर पाउडर दिया है, यानी कि मिक्सी में शुगर को थोड़ा सा घुमा के पाउडर बना लिया है। और मैंने जायफल की यूज़ की है। आप चाहो तो इसमें छोटी इलायची या बड़ी इलायची, कुछ भी एक मसाला यूज़ कर सकते हैं। छेना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अभी इस मिक्सचर को इडली स्टैंड में थोड़ा सा घी लगा के चम्मच भर भर के देना है और इसको स्टीम करना है। 10 मिनट में ये मिठाई तैयार हो जाएगी। ये मिठाई ऐसे बनाने से कभी फटता नहीं है। कभी कभी रसगुल्ले या रसमलाई का जो रसगुल्ला है उसको बनाते समय वो फट जाता है, या वो चाशनी में उबलते समय एकदम चाशनी के अंदर चला जाता है और उसको बहुत देर तक मलना भी पड़ता है, नहीं तो एकदम बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टीम करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनेगी और इसके अंदर एकदम अंदर तक जो दूध का टेस्ट है वो भी चला जाता है। खाने में बहुत बढ़िया बनती है और बनने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही लगता है। तो ऐसे बना के देखिए रसमलाई, देखेंगे कभी फेल नहीं होंगे। मैं मिठाई को इस हंडी में स्टीम करूंगी। आप कोई भी बड़े बर्तन में या इडली का जो बर्तन है उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखना है इसका जो एकदम नीचे वाला पार्ट है वो पानी के अंदर ना चला जाए, नहीं तो वो मिठाई ख़राब हो जाएगी। इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच में स्टीम करना है। जब तक मिठाई स्टीम हो रही है तब तक हम लोग इसका रबड़ी बना लेंगे। और रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर को अच्छे से मिला लिया है और दूध को अभी धीमी आंच में करीब करीब 10 मिनट तक ही उबालेंगे और दूध रिड्यूस होके आधा हो जाएगा, तब उसमें जो बनी हुई मिठाई है उसको डालेंगे। अगर आपको ये मिठाई कोई भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाना है तो इसमें आप शुगर के बदले में शुगर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट हो गया है, देखिए मिठाई स्टीम हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको मोल्ड से निकालेंगे। Thank you.
बॉयल होके आधा हो गया है, अभी इसमें बनी हुई मिठाई डाल देंगे। एक चीज़ ख्याल रखना है, दूध को बीच बीच में घुमाते जाना है, इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा मलाई ना जमे वो ख्याल रखना है। मलाई को निकाल के दूध के अंदर डाल देना है तो फिर दानेदार रबड़ी बनेगी और उससे बहुत अच्छा रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। हमने अभी मिठाई डाल दिया है। मिठाई डालने के बाद धीमी आंच में 5 मिनट उबालना है। इसके अंदर आप छोटी इलायची या जायफल कुछ भी डाल सकते हैं और उबालने के बाद इसको बंद करके छोड़ देना है और इसको ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और केसर वगैरह डाल के आप सर्व कर सकते हो। लेकिन ये मिठाई ठंडा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के खाएं और होली के दिन आप ये सबको परोसे और देखना क्या वाहवाही मिलेगी आपको। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे मिठाई आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे केक्स की रेसिपी भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने बहुत सारे होली की रेसिपीज़ तैयार की है और वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। बाय बाय।